रामनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीएम रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज सीएम से उनके ही विधायक नाराज चल रहे हैं, आवाज उठाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं नैतिक रूप से सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। पूर्व में भी आपने देखा होगा, जब राज्य गठन हुआ उसके बाद कई क्षेत्रीय दल आए, कुछ जो है प्रादेशिक दल भी आए, लेकिन अंतोगत्वा सब हाशिए पर चले गए और आम आदमी पार्टी का मैं कह सकता हूँ कि कोई भविष्य नहीं है। और जब चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें एक भी सीट जो है इस प्रदेश में नहीं मिल पाई।